Hello everyone, I am Virjesh. In this video, we are going to start class 8 math exercise 7.1 with question 3. In this question, we have find the smallest number by which each of the following numbers must be divided to obtain a perfect cube. तो यहाँ पर जो numbers given है, इन numbers में हम कौन से smallest number से divide करें तो ये number perfect cube हो जाए. तो वो number हमें find करना है. Just before जो हमने question किया था, question number 2, उसमें हमने क्या किया था, हमने ऐसा नंबर फाइंड किया था जिससे हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाए. इसमें हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जिससे हम डिवाइड करें एंड डिवाइड करने से वो नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाए. तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट यहाँ पर जो पार्ट दे रखा है 81, इसके हम करेंगे प्राइम फैक्टर. प्राइम फैक्टर करेंगे. अब यहाँ पर देखिए, ये नंबर 2 से तो कट नहीं होगा, इसके वंस प्लेस में यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है. अगर वंस प्लेस में ये नंबर होते तो यहाँ पर ये नंबर 2 से कट हो जाता. अब नेक्स्ट 2 के बाद हम जाएंगे 3 पर. अब 3 से कट करने के लिए यहाँ पर इसके डिजिट जो है 8 + 1, इनका हम सम करेंगे. 8 + 1 होता है 9. अगर 9 3 से कट होता है तो यहाँ पर ये नंबर पूरा कट हो जाता है 3 से. तो यहाँ पर जो 9 है वो 3 से कट हो रहा है, तो यहाँ पर ये नंबर 3 से कट हो जाएगा. 3 2 6 एंड यहाँ पर 2 रहेगा, 2 इस साइड आएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 21. 3 7 20. अब यहाँ पर 2 + 7 9 होता है, अगेन ये नंबर कट हो जाएगा 3 से. 3 9 = 27, अगेन यहाँ पर 3 3 = 9, अगेन यहाँ पर 3 1 = 3. एंड इसके जो फैक्टर आए हैं वो यहाँ पर हम लिखेंगे 81 3 × 3 × 3 × 3. ये इसके फैक्टर हैं. एंड यहाँ पर जो ट्रिपलेट बन रहा है, 3 का ट्रिपलेट बन रहा है. और नेक्स्ट यहाँ पर ये जो 3 है यहाँ पर सिंगल रह रहा है. अगर हम इस नंबर से, यानी जो 3 दे रखा है, इससे हम डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाएगा. जब हम इसके डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ पर जो इसके हम फैक्टर करेंगे डिवाइड करने के बाद, तो यहाँ से जो 3 है ये हट जाएगा, ये नंबर 3 यहाँ पर नहीं आएगा. तो यहाँ पर वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 3 है. तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा 81 मस्ट बी डिवाइडेड y 3 टू ऑप्टेन अ परफेक्ट क्यूब. अगर हम इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर यहाँ पर परफेक्ट क्यूब हो जाएगा. अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर दे रखा है 128. अब यहाँ पर 128, अब यहाँ पर देखिए वंस प्लेस में यहाँ पर 8 है, तो दिस मीन इज ये नंबर 2 से कट हो जाएगा. 2 से कट होने के लिए वंस प्लेस में ये नंबर होने चाहिए, यहाँ पर 8 है, इसे हम 2 से कट करते हैं. 2 6 = 12 एंड 2 4 = 8, अगेन कट करेंगे यहाँ पर. 2 3 = 6 एंड 2 2 = 4, अगेन यहाँ पर. 2 1 = 2 एंड 2 6 = 12, अगेन यहाँ पर. 2 8 = 16, अगेन यहाँ पर कट हो जाएगा 2 से. 2 4 = 8, अगेन यहाँ पर. 2 2 = 4, अगेन यहाँ पर. 2 1 = 2. अब यहाँ पर इसके जो फैक्टर हैं वो यहाँ पर हम लिखते हैं. 128 के फैक्टर यहाँ पर हैं 2 × 2 × 2 × 2. 4 बार हो गया 2 × 2 = 4, और नेक्स्ट यहाँ पर 3 बार और हैं, तो यहाँ पर 2 × 2 × 2. यहाँ पर 2 का ट्रिपलेट बन रहा है. नेक्स्ट यहाँ पर अगेन ये 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, बट यहाँ पर जो 2 है वो एक्स्ट्रा है. अगर इस 2 को हम बाहर निकाल देंगे तो नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाएगा. तो दिस मीन इज अगर हम इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर यहाँ पर परफेक्ट क्यूब हो जाएगा. तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा 128 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 2 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब. इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है. तो इस तरह से आपको इस वाले पार्ट का सोल्यूशन करना है. अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर जो दे रखा है 135, इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे. अब यहाँ पर देखिए वंस प्लेस में यहाँ पर 5 है, तो दिस मीन इज ये नंबर 2 से तो कट नहीं होगा. अब 3 से कट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके डिजिट का हमें सम करना होगा. 1 + 3 = 4 + 5 = 9, तो 9 इज डिविजिबल बाई 3, तो दिस मीन इज ये नंबर 3 से कट हो जाएगा. तो इसे हम 3 से कट करेंगे. 3 4 = 12, तो यहाँ पर 13 है, 13 से 1 रह गया, 1 इस साइड आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15. 3 5 = 15, अगेन ये नंबर 3 से कट हो जाएगा. 4 + 5 = 9 होता है. 3 1 = 3 एंड 3 5 = 15, अगेन यहाँ पर.
फाइव ज़ा 15, ये नंबर 5 से ही कट होगा, 5 बन ज़ा 5। अब यहाँ पर जो 135 के फैक्टर यहाँ पर जो आए हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर 3 का ट्रिप्लेट बन रहा है एंड यहाँ पर जो 5 है जो एक्स्ट्रा है, हम क्या करेंगे 5 से ही डिवाइड कर देंगे, तो नंबर यहाँ पर ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा 135 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर जो दे रखा है 192, इसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं। अब वंस प्लेस में यहाँ पर 2 है तो दिस मीन इज ये नंबर 2 से कट हो जाएगा, 2 नाइन ज़ा 18 एंड यहाँ पर 1 जाएगा, 1 इस साइड आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12, 2 सिक्स ज़ा 12, अगेन इसे हम कट करेंगे, 2 फोर ज़ा 8 एंड 2 एट ज़ा 16, अगेन ये कट हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4, 2 फोर ज़ा 8, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, अगेन 2 सिक्स ज़ा 12, 2 थ्री ज़ा 6, नेक्स्ट यहाँ पर 3 वन ज़ा 3। अब यहाँ पर इसके जो फैक्टर आए हैं वो यहाँ पर हम लिखते हैं 192, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 बार हो गया, 2 टू 4 एंड 2 6 और नेक्स्ट यहाँ पर 3 इस तरह से एंड। अब यहाँ पर हम बनाते हैं ट्रिपलेट, फर्स्ट बन गया, सेकंड बन गया एंड जो 3 है यहाँ पर एक्स्ट्रा है, इससे हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर नंबर ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर 192 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 3 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट को, नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर जो दे रखा है 704, दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट यहाँ पर हम करते हैं प्राइम फैक्टर, वन प्लेस में यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर ये नंबर 2 से कट हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4, अगेन ये 2 से कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 7 जा 14, नेक्स्ट 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, अगेन ये 2 से कट हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, अगेन कट हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अगेन ये 2 से कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब यहाँ पर ओनली 11 है तो दिस मीन इज ये नंबर ओनली 11 से ही कट होगा, 11 वन ज़ा 11 एंड इसके जो फैक्टर आए हैं वो यहाँ पर हम लिखते हैं, 704 के जो फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, नेक्स्ट यहाँ पर 11। अब यहाँ पर हम बनाएंगे ट्रिपलेट, 2 का बन गया ट्रिपलेट, अगेन 2 का ट्रिपलेट बन गया एंड यहाँ पर जो 11 है, यहाँ पर 11 आएगा, 11 है इसका ट्रिपलेट यहाँ पर नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर अगर हम 11 से डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर यहाँ पर परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर जो फैक्टर करते समय यहाँ पर जो 11 आ रहा है, 11 हट जाएगा डिवाइड करते समय, तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा 704 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 11 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो इस तरह से आपको इस वाले पार्ट का सोल्यूशन करना है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा।